अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए लाई हूँ नई रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के चीले, चने के आटे के चीले बनाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, घर में जो चीज़ें हैं उसी से बन जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर बनाना। एकदम सॉफ्ट वाले है ये चीले, एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं, फटाफट बन जाते हैं। आप ये बच्चे को टिफ़िन में दे सकते हो या तो फिर नाश्ते में ले सकते हो, और हेल्दी। इसके अंदर मैंने सब सब्जी वगैरह डाल के बनाई हूँ, एकदम सिंपल रेसिपी है। तो वीडियो देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगती तो एक लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं जो भी कुकिंग की वीडियो डालूँगी आपको देखने मिलेंगी। एकदम सिंपल रेसिपी लाई हूँ मैं आपके लिए, फटाफट बन जाती है जल्दी वाली रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चीले बनाने के लिए मैंने इधर ले ली हूँ 1/2 किलो चने का आटा, बेसन। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच डाल दूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से डालिए, और पानी डाल के एक बैटर बना लेंगे। एकदम सॉफ्ट बैटर बनाना है हमें, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, एकदम नॉर्मल बनाएंगे। तो देखिए मैंने इधर बैटर बना के ले ली, अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें फेस आ जावे, बबल्स आ जावे, उस तरीके से फेंटेंगे। अभी मैं इसमें डाल दूंगी कुछ सब्जी, तो सब्जी में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने इधर डाल दूंगी 2 मुट्ठी स्प्रिंग ऑनियन, प्याज की पत्ती, 1 मीडियम साइज का टमाटर ले ली हूँ, 4 हरी मिर्ची ले ली हूँ, उसको बारीक बारीक कट कर ली हूँ, 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे काट के, सभी जो भी आपको पसंद है वो भाजी आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 गाजर, इसको भी मैंने चॉप कर ली हूँ बारीक बारीक, और 1 प्याज डाल देंगे, इसको भी मैंने चॉप कर ली हूँ, मीडियम साइज़ की 1 प्याज ली थी वो भी ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स करके वापस एक बैटर बना लेंगे। तो देखिए मेरा बैटर तैयार है। मैं 1 कप ले ली हूँ, नॉन स्टिक तवा रख दी हूँ, उसके ऊपर ये बैटर डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला लेंगे सब तरफ से, और इसे ढक के रख देंगे स्लो आंच पे 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए नीचे से अच्छे से पक चुका है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे चीले के ऊपर, और इसे पलट लेंगे। देखिए आसानी से पलट लेंगे और फिर इसको ढक के 1 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छे से पकना चाहिए बेसन हमारा, चीले हमारे अच्छे से पकना चाहिए। तो देखिए दोनों साइड से पक चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए एकदम सॉफ्ट चीले बनके तैयार है। आप लोग भी ज़रूर बनाना और कमेंट में बताना कैसा बना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।